तो एमएस एक्सेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिएट ए न्यू टेबल के अंदर में। जैसे कि एक डेटा है, मुझे इसमें से कुछ कुछ पार्ट की एक अलग टेबल क्रिएट करवानी है, तो क्रिएट में ऐसे मेरे पास डिजाइन क्यूरी होती है, राइट। डिजाइन क्यूरी में आप जैसे मैंने यहाँ पे डेटा ऐड कर दिया और मैं यहाँ पे मान लीजिए पूरा ओवरऑल रिलेटेड डेटा चाहिए और मुझे बोला कि सिटी में मान लीजिए मुझे पुणे का डेटा चाहिए, तो क्राइटेरिया में मैंने यहाँ पुणे का डेटा डाल दिया। तो अब इससे होगा क्या कि जब क्वेरी बनेगी क्वेरी वन हमने बनाया, जब आपको डेटा देगा पुणे का डेटा तो देगा बट एक क्वेरी फॉर्मेट में देगा, ये स्टेबल नहीं होगी। करके डेट में डेटा चेंज होता है आपका या आपकी क्यूरी की कंडीशन चेंज होता है, किसी ने डिजाइन क्यूरी में गया और पुणे के जगह पे यहाँ इसने नोएडा कर दिया, तो आपकी पुणे की डेटा जो है यहाँ से हट जाए, राइट राइट। मैं चाहता हूं कि यहाँ हमारा नोएडा का आ गया, तो यहाँ मैं जब मैं क्यूरी रन करूं तो मुझे जो रिजल्ट एक टेबल मिले, तो उस केस में हम क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद डिजाइन क्यूरी में आएंगे, डेटा को रखेंगे और यहाँ सिलेक्ट आपको दिख रहा होगा, सिलेक्ट मतलब कि डेटा को शो करना, इसी में आपको दिखेगा मेक ए टेबल। तो मेक ए टेबल पे क्लिक कीजिए और आप किस नाम से टेबल बनाना चाहते हैं वो देना होगा आपको। तो मान लीजिए मैं टेबल बनाना चाहता हूँ T1 नाम से, DT नाम से, एंड करेंट डेटाबेस और अनदर डेटाबेस में कोई और फाइल में चाहिए, किसी और फाइल में चला जाए तो उसका पाथ यहां देना पड़ेगा। क्या करना सर, अनदर डेटाबेस में क्या करना है? उसका पूरा पाथ ब्राउज करके उस फाइल को सिलेक्ट करना होगा। ओके ओके, फिर हमने यहां पे ओके कर दिया। हां, उसके बाद जैसे हमने क्यूरी बनाया था उस तरह से आप बनाइए। सिटी में मैंने यहां पे मान लीजिए पुणे दे दिया, उसके बाद मैंने यहां से अनचेक कर देता हूं। अनचेक करने के बाद जब मैं इसको सेव करूंगा, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं जब इसको रन करूंगा तो ये पूछ रहा है कि मॉडिफाई होगा डेटा टेबल, बोले यस, और ये बोला है 13 रो ऐड होगा, तो 13 रो ऐड हो गया डीटी के नाम से। यहां देखिए अब डेटा चेंज नहीं होने वाला है, राइट राइट। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब भी मैं इसको रन करूंगा, मैं रन किया यस, इसने बोला कि डीटी को एक डिलीट कर रहा है, तो यस पे क्लिक कर दिए और यस कीजिए तो ये डीटी को डिलीट कर दिया उसने और इसने नया डेटा डाल दिया। हर बार डीटी को डिलीट करेगा, ठीक है, यस कीजिए। मैं यहां पे अगर नो करता हूं तो देखिए डीटी में डेटा एड नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर दो बार रन करोगे तो पिछला डेटा डिलीट करके नया डेटा डाल देता है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हर बार मुझे यह डालना होता है, तो मैं इस बार क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, लेकिन ऑटोमेटिक क्वेश्चन मार्क को बड़ी ब्रैकेट में इसने ले लिया। उसके बाद जैसे मैं यस करूंगा, यस करने के बाद यहाँ पे पूछेगा, यस पूछेगा ना कि किसको करना है, तो मैं इस बार नोएडा दे दिया। नोएडा देखिए ओके किया, यस कीजिए, यहां पे देखिए डीटी में अब नोएडा का डेटा आ गया, क्लियर है? क्लियर। लेकिन आप चाहोगे कि मेरा नाम अलग चेंज हो तो नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए अलग नाम से आपको बनाना है तो इसको राइट क्लिक करके डिजाइन क्यूरी में जाना होगा और इसकी एसक्यूएल क्यूरी में जाके यहाँ जो डीटी है, डीटी के जगह पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे नोएडा सिलेक्ट कर दिया हमने। अब मैं इसको जैसे ही इसको यस करता हूँ, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो नोएडा के नाम से बना देगा। मैं यहाँ पे नोएडा दे देता हूँ, यस बना दिया। तो आपको SQL क्वेरी में हर बार चेंज करना होगा डिजाइन में। अब इसको चाहोगे कि मैं किसी से लिंक कर दूं, जैसे कि मैंने बड़ी ब्रैकेट में यहाँ पे रख दिया क्वेश्चन मार्क, जैसे मैंने यहाँ नीचे रखा था, तो क्या ये वर्क करेगा? यस करता हूँ। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, यस, ये पूछ रहा है पैरामीटर, पूछ रहा है ना पैरामीटर, तो मान लीजिए इस बार मैं पुणे देता हूँ पैरामीटर,
आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क के नाम से ही इसने टेबल बना दिया। तो यहां पे इनपुट का कोई सिस्टम नहीं है कि आप इनपुट ले सकेंगे अब फिलहाल, लेकिन इसका हम लोग वीवीए वगैरह में इसका तोड़ निकाल लेते हैं। तो फिलहाल इसको आप ऐसे ही समझिए कि यहां पे आपको टेबल का नेम मैनुअली लिखना पड़ेगा, राइट राइट। अब मुझे मान लीजिए इसको किसी फॉर्म से लिंक करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने एक फॉर्म में क्रिएट में गया, डिजाइन फॉर्म में गया और मैंने फॉर्मेट अरे इसमें फॉर्म डिजाइन में जाके मैंने यहां से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, राइट। टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया सिटी। अब मैं जो भी सिटी का नाम इस टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री करूं उसी का डेटा निकल के आना चाहिए, राइट। सबसे पहले फॉर्म वन है हमारा, टेक्स्ट जीरो के जगह पे यहाँ पे ना इसका नाम मैं सिटी कर देता हूं और इस फॉर्म को सेव कर देता हूं सिटी के नाम से, ठीक है। अब अपना क्यूरी को आपको डिजाइन मोड में लेना होगा और डिजाइन मोड में आप यहाँ भी डिजाइन मोड में यहाँ भी ला सकते हो। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्म्स, फिर स्पेशल मार्क देना है सिटी, फिर स्पेशल मार्क देना है सिटी फिल नेम, राइट सर। लेकिन ऐसा करने के लिए आप यहां से मैं रन नहीं करना होगा, आपको रन करने के लिए जाना होगा फॉर्म के ऊपर यहाँ पे। लेकिन इसे बटन तो बनाया ही नहीं मैंने, तो अब मैं इसमें बटन बनाऊंगा। तो बटन मैंने के ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद मैंने यहां मिसलेनियस को सिलेक्ट किया, रन क्यूरी, और क्यूरी में हमने क्यूरी टू को सिलेक्ट करके नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने दे दिया गेट डेटा और हमने टेक्स्ट को क्लिक टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया नेक्स्ट मैन फिनिश। अब देखिए क्या होगा कि आपको ऊपर में यहाँ पे रन करना है सिटी नेम लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पुणे, राइट। और हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे यस यस यस, तो नोएडा में इसने पुणे नाम का डेटा ऐड किया। जैसे कि मैंने बताया कि इस सिटी का जो टेबल नेम है इस टेबल नेम को चेंज नहीं किया जा सकता। अब बोलेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। देखिए जब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं किसी अलग लोकेशन से तो इंपोर्ट जो है दो टाइप का होता है, दो नहीं तीन टाइप का बोलते हैं। पहला इंपोर्ट होता है इंपोर्ट कॉपी पेस्ट टाइप का, कॉपी पेस्ट कर दिया उसने। दूसरा होता है लिंक, वो लिंक एस्टेब्लिश कर देता है, मतलब कि ओरिजिनल डेटा में चेंज होगा तो आपको यहाँ एक्सेस भी चेंज हो जाएगा। दूसरा हम चाहते हैं कि मेरे हिसाब से डेटा चेंज हो, तो उस केस में हम मेक टेबल का यूज करते हैं। डेटा इंपोर्ट करने की पूरी क्यूरी हम यहाँ पे लिख देते हैं एसक्यूएल में जाकर, यहाँ पूरा क्यूरी लिख देते हैं इंपोर्ट करने का, समझ गए। और जब रन करते हैं तो क्या करता है इसके अंदर डेटा को रन कर देता है, अच्छा अपडेट कर देता है, पुराना डेटा डिलीट करके नया डेटा उसमें डाल देता है। अच्छा तो सर क्वेरी का कमांड लिखना पड़ता है इसमें, कौन सा कमांड लिखना पड़ता है? एसक्यूएल कमांड, जो आपने देखा ना अभी, इसी को एसक्यूएल कहते हैं। अगली जो टॉपिक हमारी आने वाली है इसी की आने वाली है, अच्छा ठीक है। अभी हमने मेक टेबल किया, फिर हम कल की क्लास में अपेंड अपडेट क्रॉस टैब क्वेस्ट ऑफ द ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिलीट यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं। हाँ ओके सर।